मैं डॉक्टर अंकिता जैन, पेरोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट, एक प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हूँ और वर्तमान में एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के पद पर कार्यरत हूँ। ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विभाग दिल्ली के द्वारा स्वीकृत है। इस प्रोजेक्ट का टाइटल है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड टोबैको सेसेशन प्रोग्राम इन लखनऊ एंड कानपुर रीजन। टोबैको मीन्स तंबाकू। आज 31 मई है। आज के दिन को विश्व भर में वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी कि तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि तंबाकू और तंबाकू से होने वाले दुष्परिणाम दोनों ही आपके लिए और आपके आसपास लोगों के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। आप सब सैकड़ों बार देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे कि तंबाकू के उपयोग से भीषण समस्याएं हो सकती हैं, जैसे आहार नली का कैंसर, जुबान का कैंसर, मुंह का कैंसर वगैरह वगैरह। परंतु आज हम इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। मेरी चर्चा का विषय है कि किस तरीके से तंबाकू से जुड़े उद्योग आम जनता को, खासकर हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं। परंतु इससे पहले मैं आपके समक्ष तंबाकू से जुड़े कुछ आंखें खोल देने वाले तथ्य रखूंगी। आइए देखते हैं। तंबाकू इस्तेमाल करने वालों में से करीब आधे लोग तंबाकू की वजह से ही मारे जाते हैं। तंबाकू हर साल करीब 70 लाख से अधिक लोगों की जान लेता है, जिसमें 60 लाख से अधिक मौतें तंबाकू के सीधे इस्तेमाल से होती हैं और करीब 10 लाख धूम्रपान नहीं करने वाले लोग भी मारे जाते हैं किसी और के धुएं के संपर्क में आने से। दुनिया के 130 करोड़ तंबाकू इस्तेमाल करने वालों में से 70% जनता निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहती है। अब हम आज के मुख्य विषय पर आते हैं कि किस तरीके से तंबाकू से जुड़े उद्योग गलत जानकारी देकर हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं। तंबाकू और निकोटिन से जुड़े उत्पादनों में युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए कई तरह के फ्लेवर्स का उपयोग किया जाता है, जैसे बबल गम, कॉटन कैंडी वगैरह वगैरह, जिससे युवा पीढ़ी अपने स्वास्थ्य से जुड़े हानियों को भूलकर इन उत्पादों की तरफ आकर्षित होती है। हुक्के जैसे पुराने और ग्रामीण उत्पादनों को नए फैशनेबल अंदाज में युवाओं के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें भी कई तरह के फ्लेवर्स उपलब्ध हैं। हालांकि कई राज्यों में इस पर पाबंदी लगा रखी है। आकर्षक डिज़ाइन और तरह तरह से डेकोरेशन करके इन उत्पादनों को युवाओं के सामने प्रस्तुत किया जाता है। बहुत से उद्योग और कंपनीज ये दावा करते हैं कि सिगरेट के मुकाबले उनके उत्पादों में कम तंबाकू है या नुकसान न करने वाली मात्रा में तंबाकू उपलब्ध है। परंतु आप इन दावों पर न जाएं। इनके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये तंबाकू लेने के समान ही हानिकारक है। तंबाकू और निकोटिन आधारित उत्पादनों की बिक्री के लिए सेलिब्रिटीज का उपयोग किया जाता है, कई तरह के ब्रांड एम्बेसडर्स को बनाया जाता है और युवाओं को आकर्षित करने का ये एक जरिया है। फिल्मों और ऑनलाइन शोज में युवाओं को आकर्षित करने के लिए इसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रमोशन किया जाता है। हालांकि कानूनन अब धूम्रपान के दृश्यों में वैधानिक चेतावनी देना अनिवार्य है, लेकिन फिर भी अपने आदर्श को धूम्रपान करते देख युवा फिसल ही जाता है। इन उत्पादनों को बिक्री के लिए ऐसे दुकानों में रखा जाता है जहां पे युवाओं का आना जाना लगा रहता है। इन्हें टॉफीज, कैंडीज, चिप्स के साथ रखा जाता है ताकि उनका ध्यान आकर्षित हो सके। आज विश्व के सामने ऐसी पीढ़ी तैयार होने का खतरा मंडरा रहा है जो तंबाकू उद्योग के झूठ से भ्रमित है। एक ऐसा उद्योग जो व्यक्तिगत निर्णय की आज़ादी पर सिर्फ अपना मुनाफा सुनिश्चित कर रहा है, भले ही इसके लिए युवाओं की जान की कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो आइए इस वर्ल्ड नो टोबैको डे पर हम सब तंबाकू छोड़ने या तंबाकू इस्तेमाल न करने का प्रण लें और एक तंबाकू मुक्त पीढ़ी
और एक तंबाकू मुक्त देश का निर्माण करें।